होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, और जिन्हें गोल्डन वॉइस ऑफ मुकेश जी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, उस शख्सियत का नाम है मिस्टर मुख्तार शाह। आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनके संगीत के इस सफ़र के बारे में। मुख्तार जी नमस्कार। नमस्कार तारा जी, नमस्कार। मुख्तार जी, आप हमारे छत्तीसगढ़ में आए हैं जी, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आपसे मिलने का सौभाग्य मिला। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आपने शुरुआत कैसे की इस म्यूजिक फील्ड में, कैसे आपने म्यूजिक को चुना। तारा जी, मैं जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ, गुजरात से हूँ, और कल मेरा पहली मरतबा रायपुर आना हुआ। बहुत वक्त से एक तमन्ना थी यहाँ पर छत्तीसगढ़ आने की और एक शो करने की। ये मेरा पहला विज़िट है और मुझे भी बहुत खुशी हुई कल यहाँ आकर, यहाँ प्रोग्राम करके, और आप भी हमारे साथ कल प्रोग्राम में रहीं, ये भी हमारा सौभाग्य है। सो शौक़ जो था गाने का, वो बचपन से ही था, जैसा आम तौर से सिंगर्स को होता है। स्कूल वगैरह के अंदर जब फ्री टाइम होता था तो टीचर खड़ा कर देते थे कुछ भी गाने के लिए, तो वो गाते गाते जब हम कॉलेज के अंदर आए तो फिर टैलेंट वगैरह में गाने लगे, मुकेश जी के गाने। और इस तरह से हमारे जो दोस्त थे तो मुझे मुख्तार की जगह फिर मुकेश मुकेश बुलाने लगे। तो वो इस तरीके से करते हुए हमारा जो ध्यान है वो मुकेश जी के गानों की तरफ ज़्यादा गया। फिर उनकी आवाज़ ही इतनी खूबसूरत है कि वो जहन में उतर गई, और फिर हमें मुकेश जी के गाने अच्छे लगने लगे, तो हम मुकेश जी के ही गाने गाते रहे। जैसा कि आपके बारे में ये मतलब ये सुना हमने कि आप लॉयर थे जी, तो कैसे आपने उस फील्ड से इस फील्ड को कैसे चुना? क्या आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में नहीं था? नहीं नहीं, मेरा ऐसा था तारा जी कि मैं सिंगर जब था, शुरुआत में मैंने किया, तब मैं LLB भी कर रहा था, पढ़ रहा था। फिर मैंने एडवोकेट हुआ और उसके बाद मैंने वकालत भी 2 साल किया। लेकिन थोड़ा सा मेरा अल्टीमेट जब ऐसा मौका आया, क्योंकि दोनों फील्ड जो है बहुत बड़े क्षेत्र हैं, तो दोनों को एक साथ पूरी तौर से कर पाना पॉसिबल नहीं था। तो फिर मैंने अल्टीमेटली चुना, क्योंकि जहन और दिमाग जो है वो कलाकार का है, और मैंने वकालत जो शुरू की वो क्रिमिनल साइड में की जी। तो वो बहुत मैं माइंड से बहुत एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, तो मैंने फिर म्यूज़िक में ज़्यादा रहा। वहाँ पे मेरे असिस्टेंट हैं, वो लोग सारा काम अपना कोर्ट का देखते हैं, और मैं भी कभी कभी जब वक्त होता है उस हिसाब से कोर्ट में भी जाता हूँ। तो अभी भी मैं दोनों काम करता हूँ, लेकिन ज़्यादा मेरा ध्यान म्यूज़िक की तरफ ही रहता है जी। आपसे और ये जानना चाहते हैं हमारे दर्शक कि आपने मुकेश जी को ही क्यों चुना? क्या आप अदर सिंगर्स के गाने नहीं गाते? नहीं, ऐसा है कि सारे सिंगर्स अपनी जगह पर बहुत अच्छे हैं, चाहे वो रफ़ी साहब हों, किशोर कुमार हों, मन्ना डे जी हों, तलत महमूद साहब हों, हेमंत कुमार हों, लेकिन मेरा जो हर इंसान की एक अपनी ज़ाती चॉइस होती है, वो मुझे बचपन से मुकेश जी के गाने, उनकी आवाज़ ज़्यादा मुझे अच्छी लगी, और मेरा खिंचाव और रुझान जो है वो मुकेश जी की आवाज़ की तरफ ज़्यादा रहा, और उनके गाने गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरे सिंगर्स के सब गाने अच्छे हैं, लेकिन शायद अगर मैं उनको कोशिश करूं तो वो जस्टिफाई नहीं कर सकूं, इंसाफ नहीं कर सकूं उन गीतों के साथ। तो अब मैं मुकेश जी के गाने मुझे अच्छे लगते हैं, शुरुआत से इतने सालों से गाता हूं, तो मैं इसके लिए मुकेश जी को ही गाता हूं। लोग वही पसंद भी करते हैं मेरे मुँह से सुनना। और हम ये जानना चाहते हैं कि आपके नाम पर बहुत सारे वर्ष रिकॉर्ड है, और ये भी पता चला कि आप लगातार 13 घंटे गाने का रिकॉर्ड बनाए हैं। वो आपने कैसे किया, मतलब आपको कोई कैसे प्रेरणा मिली और आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? हमारे बम्बई में एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं, हेमंत कुमार म्यूज़िकल ग्रुप एक चलता है, काफ़ी सारे दर्शक वो यूट्यूब चैनल पर उनके गाने भी सुनते होंगे। उन्होंने एक मरतब मुझे प्रपोज़ल दिया कि आप इतना गाते हो, आपका स्टेमिना बहुत अच्छा है गाने का, तो एक रिकॉर्ड है किसी का 11 घंटे किसी ने गाया है और 103 गाने गाए हैं, ऐसा रिकॉर्ड है, तो दोनों रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए अगर आप तैयार हो। तो
तो मैंने भी हाँ कर दिया और उस वक्त इस तरीके से एक पूरा बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया और 24 जनवरी 2015 हमने बॉम्बे में एक रविंद्र नाट्य मंदिर में प्रभा देवी में जो हॉल है वहाँ ये इवेंट किया और दोपहर में 12 बजे से रात को 1 बजे तक मैंने गाने गाए। 130 गाने मुकेश जी के तब गाए थे और 13 घंटे हमने गाया था, तो दोनों रिकॉर्ड हमने ब्रेक किए, लॉन्गेस्ट सिंगिंग और नंबर ऑफ सॉन्ग्स सबसे ज़्यादा गाने का। और ये रिकॉर्ड जो है वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। जैसे कि आप इंडिया ही नहीं, इंडिया के अलावा बहुत सारे कंट्रीज़ में अपने शोज किए हैं, तो अभी तक आपने इंडिया और बाहर ये मिला के कितने शोज किए होंगे और कितने देशों में आपने काम किया था? मैं तारा जी ऐसा है, मैं ऑन एंड एवरेज मेरा साल भर का जो प्रोग्राम्स रहते हैं 175 अप्रॉक्सीमेटली 175 प्रोग्राम की एवरेज रहती है नॉर्मल मेरे। और विदेशों का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं अब तक 28 देशों में जा चुका हूँ, 28 कंट्री कर चुका हूँ। और शो के हिसाब से अगर गिनूँ तो वैसे पूरा रिकॉर्ड तो नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ 5000 से ज़्यादा प्रोग्राम हो चुके होंगे अब तक। क्या बात है। तो विदेशों का जो जब प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ क्या फील करते हैं, वहाँ जो लिसनर होते हैं वो इंडियंस ही होते होंगे? बिल्कुल, हर जगह पर जहाँ भी हमारे हिंदी गीतों के प्रोग्राम होते हैं वहाँ ज़्यादातर हमारा जो ऑडियंस होता है वो तो हमारे एशिया का होता है, मेजोरिटी इंडिया से लोग होते हैं, फिर हमारे जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी काफ़ी लोग आते हैं और वो सब लोग इंडिया का म्यूज़िक जो है बहुत पसंद करते हैं और काफ़ी रिस्पांस भी मिलता है, क्योंकि वो लोग हैं जो सालों पहले एक अपने अच्छे भविष्य की तलाश में विदेश में जाकर बसे हुए हैं, तो उन लोगों को जब हम भारत से कोई इंसान जाता है और अपना यहाँ की संस्कृति, अपने यहाँ के गाने जब उनके वहाँ पर मंच पर सुनाता है तो वो लोगों को एक अपनापन लगता है, एक अच्छी फील आती है और बहुत प्यार मिलता है विदेशों में भी हर जगह। जी, आपने सिर्फ स्टेज शो ही किया है या फिर आपको फिल्मों में भी गाना गाया है आपने, प्लेबैक किया? मैंने तारा जी हमारी जो गुजराती फिल्में हैं रीजनल वहाँ की 2 फिल्मों में गाने गाए हैं। हिंदी फिल्मों में मैंने कभी कोशिश भी नहीं किया और उसकी शायद वजह ये भी है कि अब जो थोड़ा इन दिनों के जो गाना है और म्यूज़िक है वो कम्प्लीटली स्टाइल भी थोड़ा चेंज हो गया है। नया म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, गाने वाले भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं, लेकिन वो जो पुरानी जो गानों का एक तरीका था जो ये पुराने सिंगर्स गा कर गए उस तरह के गाने और जो ठहराव और लिरिक्स और वो सब अब थोड़ा सा कम बनता है, तो शायद मैंने उस वजह से कभी कोशिश भी नहीं किया हिंदी फिल्मों में। और जो अभी कर रहा हूँ इससे मुझे बहुत प्यार मिलता है लोगों का और मैं इससे काफ़ी खुश भी हूँ और बहुत सेटिस्फाइड हूँ, तो मैं जो कर रहा हूँ भगवान की बहुत मेहरबानी है। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने जैसे कि 13 घंटे गाने का एक रिकॉर्ड बनाया, उसके अलावा भी आपको कुछ रिकॉर्ड्स है या फिर आपने कुछ अवार्डेड है किसी चीज़ से? मैं अगर मेरा एक यूट्यूब में वीडियो है, बहुत सारे लोगों ने, दर्शकों ने देखा होगा, उसमें मेरे ऑफिस के अंदर एक बहुत बड़े कबर्ड में बहुत सारे मैंने अवार्ड्स रखे हुए हैं, तो जो रिकग्निशन जो है जहाँ कहीं भी हम विदेशों में गए या यहाँ कहीं भी जब भी शो किए हैं तो काफ़ी सारे लोगों ने सम्मानित किया है कुछ ना कुछ मेडल ट्रॉफी सर्टिफिकेट्स देकर। लेकिन जो मेनली है वो एक तो मैंने जो रिकॉर्ड अभी जिक्र किया जो मैंने लॉन्गेस्ट सिंगिंग का रिकॉर्ड बनाया वो जी। और दूसरा भी हमको 2019 में हमारे स्टेट को, गुजरात स्टेट को 60 साल हुए थे महाराष्ट्र से अलग हुए, तो उस वक्त में हमारी गुजरात सरकार ने 60 गुजराती लोगों का सम्मान किया था इस वजह से कि वो गुजराती जिन्होंने गुजरात से बाहर जाकर गुजरात का नाम रोशन किया है, उसमें एक मैं भी था, तो मुझे गुजरात गौरव रत्न अवार्ड दिया गया गुजरात गवर्नमेंट की ओर से। बहुत बहुत बधाई हो आपका इसके लिए। और आपको, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आज के दौर के जो गाने हैं और पुराने दौर के जो गाने हैं उसमें क्या डिफरेंट लगता है आपको? अब जैसा तारा जी मैंने अभी बताया कि नए गाने भी अच्छे हैं, लेकिन पुराने गानों का अंदर एक मीनिंगफुल उसका लिखा गया था, जो लिरिक्स था, जो उसके अल्फाज थे, हाँ उसका एक मतलब था, एक कहानी थी,
और वो कहीं ना कहीं हमारे दिल से और इमोशन से रिलेट करता था। इतने खूबसूरत गानों को जिन राइटर्स ने लिखा उसको संगीतकारों ने बहुत अच्छे म्यूज़िक के अंदर ढाला, उसको अच्छे से कंपोज़ किया, उसकी एक अच्छी लय बनाई, और इतनी ही सहजता के साथ और इतनी खूबसूरती के साथ इन पुराने गायकों ने उन गीतों को गाया है। और यही वजह है कि पुराना जो संगीत है, पुराने जो गाने हैं, वो हमारे दिल को टच करते हैं, और इसी वजह से जो बात दिल को टच करती है वो आपको ज़िंदगी भर याद रहती है। और ये मैं कह सकता हूँ कि पुराने गानों में वो एक आत्मा थी, रूह थी, सोल था उसमें। नए गानों के अंदर कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ें इसमें मिसिंग होती जा रही हैं, थोड़ा सा फास्ट टेम्पो पर या बीट्स पर लोग ज़्यादा जाने लगे हैं, या थोड़े से ऊट पटांग अल्फाज गानों में भी आने लगे हैं, और भी यंगस्टर्स थोड़ा सा पसंद भी करते हैं, तो शायद वो लोग भी इसी वजह से ऐसे गाने बना भी रहे हैं। तो यही एक डिफरेंस है। तो आपको तो सभी जानते हैं, हमारे सारे दर्शक जानते हैं, अब आप सिंगर हैं और आप अगर गाना नहीं गाएंगे तो उनका भी दिल टूट जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आपके जो फेवरेट सॉन्ग होंगे मुकेश जी के, आप प्लीज़ दो लाइन गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। मैं वो गाने की दो लाइन गा रहा हूँ जो मुकेश जी जब भी प्रोग्राम अपना शुरू करते थे तो इसी गाने से शुरुआत करते थे। और एक मरतबा राज कपूर जी ने कहा भी था कि ये गाना वो खुद चाहते हैं कि हमारा नेशनल एंथम डिक्लेयर किया जाए, और वो गाना है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। बहुत ही प्यारा गाया आपने। थैंक यू तारा जी। और मैं अपनी जो मुझे पसंद है वो गाना मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँगी, दो लाइन जी, जाने कहाँ गए वो दिन। वो गाना मुझे बहुत ही पसंद है, प्लीज़ आप मेरे लिए दो लाइन गा दीजिए। अरे आप कल हमारे साथ गाने में थी, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, आप खुद इतना अच्छा गाती हैं, और मेरे लिए खुशकिस्मत दिए कि आपके जितना अच्छा एक कलाकार जो अच्छा सिंगर भी है, आप यहाँ की लोकल फिल्मों में भी काम करती हैं रीजनल, तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमसे कोई फरमाइश कर रही हैं, आपकी फरमाइश को हम कैसे इनकार जी, कर सकते हैं। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में, नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे। बहुत ही बेहतरीन गाया आपने, बहुत ही प्यारा गाया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी छोटी सी ख्वाहिश को पूरा किया। और हम आपसे एक आखिरी में एक सवाल पूछना चाहेंगे कि आप अपनी फॉलोअर्स को या अपने जो YouTube के माध्यम से या Facebook में जितने भी आपके फ़ैन हैं जो आपको लाइव सुने हैं, देखे हैं, उनके लिए और नए जो फ्रेशर आ रहे हैं या जो मुकेश जी के वॉइस में गाना गाना चाहते हैं या उनके लवर हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे अपने तरफ से? तारा जी, ऐसा है, अभी देखिए, एक तो ये लॉकडाउन जब आया कोरोना के, उसमें ये इतना एक डिप्रेसिंग टाइम था, इतना मुश्किल वक्त था सारी दुनिया पर, और ऐसे वक्त में संगीत जो है वो काफ़ी लोगों को और दिलों को खुशी देता है, एनर्जी देता है, तो काफ़ी सारे लोग संगीत के ज़रिए अच्छे होते हैं, पॉजिटिव बनते हैं, तो संगीत सुनना या संगीत को गाना, संगीत में रहना, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव बात है। और इसी वजह से बहुत सारे लोग नया नया टैलेंट
गाने के जो शौकीन होते हैं शायद बहुत अच्छा नहीं गा सकते हों, प्रोफेशनली नहीं गाना चाहते हों, लेकिन वो लोग गाना गाकर खुद भी खुश होते हैं, अपने दोस्तों को और परिवार को भी खुश करना चाहते हैं। तो ऐसे सब लोगों को मेरी यही सलाह है कि संगीत बहुत अच्छा एक माध्यम है, और मैं हमेशा मानता हूँ कि ईश्वर की भक्ति के बाद सबसे दूसरा अच्छा रास्ता है दिल को खुश और पॉजिटिव रखने का, वो है संगीत। तो आप इसी माध्यम से जुड़े रहिए। जो नए सिंगर्स हैं, जो लोग स्टेज पर प्रोफेशनली गाना चाहते हैं, उनसे भी मेरी यही एक सजेशन रहेगा, सुझाव, कि संगीत में मेहनत कीजिए, रियाज कीजिए, अच्छा गाने की कोशिश कीजिए, जो ओरिजिनल गाने हैं उनको आप सुनकर कोशिश कीजिए कि उस तरीके से ही हम गाएं, ज़्यादा उसके क्लोज जाने की, नज़दीक जाने की कोशिश करें, और यही एक ज़रिया है अच्छा गाने का। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी में जाते जाते ये आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको फ्यूचर में ऐसा कोई मौका मिले कि आपको छत्तीसगढ़ी गाने हो, हाँ, फिल्मों में या जैसे भी एल्बम में हो, तो क्या आप गाना पसंद करेंगे? अरे मुझे बहुत खुशी होगी तारा जी, लेकिन बस उसमें यही रहेगा कि आपकी मुझे हेल्प लगेगी यहाँ की लोकल लैंग्वेज और उसका एक्सेंट सिखाने के लिए। जी जी, तो आप मुझे उसमें मदद कर देना अगर कभी ऐसा मौका आया तो। आपको छत्तीसगढ़ी के कुछ वर्ड्स पता है? नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन आपका जो लहजा है वो देख कर मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ का एक जो आपके वहाँ यहाँ का जो मातृभाषा का जो टच है वो आपके लैंग्वेज में दिखाई देता है, वो सुनना अच्छा लगता है। तो कैसा लगा आपको हमारा रायपुर और हमारा यहाँ के लोग? मैं कल यहाँ पर आया, शो जो किया हमने, जो ऑडियंस देखा, आप तो उसकी विटनेस थी, साथ में थी, तो जितने लोग थे बहुत अच्छे सुनने वाले थे, और मेरा ये पहली मरतबा एक्सपीरियंस था। और मेरे भाई हैं राजेश पटेल जी, जिन्होंने बंबई के रहने वाले, लेकिन वो बेसिकली यहाँ से रायपुर से हैं, जिन्होंने ये इवेंट कल ऑर्गेनाइज़ किया था, और इसी वजह से मुझे ये मौका मिला यहाँ आने का। तो शहर तो बहुत अच्छा है, और जो मैं तमन्ना लेकर आया था वो मेरी पूरी हुई। अच्छे लोगों से मिलना हुआ, आपसे मिलना हुआ, अच्छा शहर देखने का मौका मिला, और आज इसी वजह से मैं एक दिन यहाँ रुका था कि ताकि थोड़ा सा घूम कर रायपुर और छत्तीसगढ़ की थोड़ी फ्रेग्रेंस लेकर जाऊँ अपने साथ। यहाँ आपको अच्छा लगा, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम यही चाहेंगे कि आप हमेशा रायपुर आते रहें और हमारी मुलाकात आपसे होती रहे, और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू तारा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये कोशिश की कि अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों तक मुझे अपने पहुँचाया है, और जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं और जो तारा जी के फॉलोअर्स हैं वो मुझे भी फॉलो करें, ये मेरी भी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ताकि मेरी और फॉलोइंग तारा जी की तरह मेरी भी बढ़े। और आपकी जो चैनल है संजा बिहनिया, जी जी, तो मैंने प्रोनाउंस ठीक किया है, मतलब तो आप एक शब्द तो सीख गए, संजा बिहनिया, संजा बिहनिया। तो चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, हमारे इस बातचीत को सुनने का, इस इंटरव्यू को देखने के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत खूबसूरत और प्यारी यादें मेरे दिल के अंदर मैं लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, और बहुत जल्द वापस आप सबसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले कार्यक्रम में हम फिर मुलाकात कराएंगे किसी और शख्सियत के साथ में। तो मुझे और संजा बिहनिया टीम को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। और हाँ, अगर हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।